हेलो गाइस, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास ट्वेल्थ माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड आज हम उसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल पे कि कौन कौन से इक्विलिब्रियम लेवल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास तीन इक्विलिब्रियम लेवल्स होते हैं, एक फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, देन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल एंड देन ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। एंड जो इक्विलिब्रियम लेवल सबसे अच्छा होता है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, जहाँ पे हमारे एडी एएस के इक्वल हो सकती है या एस इज इक्वल टू आई। ठीक है, यहाँ पे ये दो केसेस हो सकते हैं। एंड यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मतलब हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज हो रहे हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मतलब जहाँ पे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड नहीं हो पा रहे हैं। एंड ओवर एम्प्लॉयमेंट मतलब जब हमारे रिसोर्सेज ओवरली यूज हो रहे हैं, हमारे यूटिलाइजेशन उनकी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको बोलेंगे ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल इज डिफाइंड व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, हम पूरी एम्प्लॉयमेंट लगा रहे हैं, ठीक है, पूरे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं एंड यहाँ पे कोई भी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब लोग अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, सभी लोग एम्प्लॉयड है जो काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वो हो सकती है क्योंकि उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो वॉलंटरली काम नहीं करना चाह रहे हैं, हम इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देन इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे इनकम, यहाँ पे एडीएस, सो एएस विल बी इक्वल टू इनकम, इट इज 45 डिग्री लाइन एंड दिस इज AD विच विल स्टार्ट फ्रॉम द वाई एक्सिस। एंड यहाँ पे जहाँ पे AD एंड AS इंटरसेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे E पॉइंट, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। एंड दिस EQ जब इसको हम प्लॉट करेंगे सो देयरफॉर OQ विल बी इक्विलिब्रियम GDP, जहाँ पे हमारी OQ इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट या इक्विलिब्रियम आउटपुट भी इसको बोल सकते हैं। देयरफॉर EQ इज इक्विलिब्रियम GDP और इनकम। एंड यहाँ पे हमारी AD AS इस पॉइंट पे AD AS इक्वल होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जहाँ पे एडी एएस के इक्वल होता है लेकिन रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड, रिसोर्सेज की पूरी अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है प्रायर टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एंड ये जो हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले अकर होता है। ठीक है, मतलब अभी इसको फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंचना है, उससे पहले ही अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सो देयरफॉर दिस इज AS, दिस इज AD, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे अभी ऊपर है। ठीक है, लेकिन हमारा AD यहाँ डिमांड इतनी ही है, सप्लाई है लेकिन डिमांड इतनी ही है, तो ये हमारी हो जाएगी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट ये बन जाएगा, जबकि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट ये E है। ठीक है, एंड इसको ये होता है हमारा, दिस इज पॉइंट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। ठीक है, ये OQ1 अभी हमारी इक्विलिब्रियम GDP या इनकम है, लेकिन हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम GDP बन सकती है OQ, लेकिन अभी रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड नहीं है, एम्प्लॉयमेंट फुल नहीं है, तो इसलिए हमारी पहले ही इक्विलिब्रियम GDP बन जाती है। E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, F इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एंड OQ1 इज लेस देन OQ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, यहाँ पे AD इज इक्वल टू AS लेकिन बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से आगे ही हो जाती है, मतलब ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है एंड इट अकर्स आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज रीच्ड, मतलब जब हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा ये उससे ऊपर चली जाएगी, मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हमारा AS है, ये हमारी AD है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ऑलरेडी हो चुकी है लेकिन फिर भी हमारी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि ये उसके ऊपर लेवल पे पहुंच गई एंड दिस पॉइंट इज द इन्फ्लेशन। ठीक है, ये हमारा OQ है, अभी हमारी इनकम इससे बढ़ नहीं सकती, जितनी OQ है इतनी ही रहेगी क्योंकि अभी हमारे पास और रिसोर्सेज हैं ही नहीं, तो ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, OQ1 एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिफ्लेशन में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि अभी हम उसके ऊपर लेवल पे पहुंच सकते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन में यहाँ पे हम पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि रिसोर्सेज ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे होगा कहीं पे। ठीक है, OQ1। ठीक है, सो E इज द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, यहाँ तक हम कर सकते हैं लेकिन F पर पहुँच गया है वो, क्यों, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ओवर एम्प्लॉयमेंट हो रही है अभी रिसोर्सेज की, ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड आउटपुट कांट इंक्रीज बिकॉज ऑलरेडी ऑल रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड, ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है, ऑलरेडी फुल आउटपुट है, इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता, इट विल लीड टू इन्फ्लेशन, इससे डिफ्लेशन होगी एंड इट विल लीड टू इन्फ्लेशन। इसमें हमारी GDP बढ़ सकती है लेकिन इसमें हमारी GDP बढ़ नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुकी है, ऑलरेडी फुल रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। ओके, इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।